आजमगढ़ के विकास खंड अतरौलिया क्षेत्र के भगतपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास गंदगी व कचरे को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। जबकि बरसात के मौसम में रास्ते पूरी तरह कीचड़ से युक्त हो गए हैं, वहीं लोगों को आने जाने में भी काफी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोड पूरी तरह से टूट चुका है, तो वहीं सड़कों पर कीचड़ से भारी दुर्गंध आ रही है। नालियों की साफ सफाई करने के लिए कोई भी सफाई कर्मी गांव में नहीं आता। कोरोना काल के दौरान भी ना तो गांव में सैनिटाइजर व चूने का छिड़काव हुआ और ना ही कभी सफाई कर्मी गांव के अंदर साफ सफाई के लिए आता है। गांव में बने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर तक लोगों को जाने में काफी कठिनाइयां होती हैं। वहीं लोगों को बरसात के मौसम में कीचड़ में ही मंदिर तक सफर करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि नालियों की साफ सफाई, चूने व ब्लीचिंग का छिड़काव कभी नहीं हुआ, जबकि कोरोना काल के दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक गांव में निगरानी समितियों के माध्यम से चूने और ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया। गांव की सड़कें गड्ढायुक्त हो चुकी हैं, जिस पर चलने वाले लोगों को दुर्घटना होने का डर बना रहता है। वहीं कीचड़ व नालियों की साफ सफाई न होने से दुर्गंध आती है, जिससे संक्रामक बीमारियों को फैलने का खतरा भी बना हुआ है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। नाम भी आपका किस गांव निवासी है? हरिश्चंद मौर, ग्राम भगतपुर। आपके यहाँ इतनी गंदगी है, इसके बारे में बताइए क्या है? हमारे यहाँ इतनी गंदगी है कि कभी सफाई कर्मी और ना कोई झाड़ू लगाने आता, नाली एकदम भरी पड़ी है और कभी साफ करने नहीं आता। छिड़काव करने भी नहीं आया? कभी नहीं आया छिड़काव करने, कभी नहीं आया। अरे कितने दिन से कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, कभी भी कोई साफ करने? कभी नहीं कोई साफ करने आता है, सालों से ऐसा पड़ा हुआ है। क्या आप लोगों ने किसकी शिकायत कहीं की थी कि नाली साफ किया जाए? अरे बार बार शिकायत करते, कोई आता ही नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद सफाई किया, क्या बताएं? आता ही नहीं कोई, चलो हो जाएगा। नाम भी आप किस गांव के निवासी हैं? संजय मौर्य नाम है, ग्राम पोस्ट भगतपुर। ये आपके यहाँ इतना कचरा है, इसके बारे में बताइए। सर इतना कचरा है कि हम लोग शिकायत करते करते एकदम परेशान हो गए हैं। आप देखिए इतना कचरा, ये आगे तक माथे तक कचरा पूरा इसी तरह है। और हमारे यहाँ कोरोना में लोग दवा छिड़काव करते थे, तो दवा की छिड़काव भी नहीं हुआ और हम बहुत परेशान है कि शिकायत देते देते अभी तक देखिए कुछ यहाँ तक देखिए सब नाली भरी पड़ी है, सब रोड में कितना कचरा है पूछिए मत, बहुत परेशान। इसी तरह आगे और इससे ज्यादा अभी कचरा है आगे। कभी सफाई कर्मी आए हैं? नहीं सर कभी नहीं आए, हम लोग सफाई करने से बार बार कहते वो आते ही नहीं। आप झाड़ू लगाने कभी नहीं, ना झाड़ू लगा, ना कभी नाली साफ हुआ, ना दवा कभी पड़ा, कुछ भी नहीं। सफाई करने से हम लोग बार बार शिकायत किए, मगर वीडियो से कभी इसके बारे में बताया आपने? नहीं नहीं, वहाँ पे हम लोग किए थे बात, मगर कोई नहीं फर्क पड़ा, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ।